उस्मान बुज़दार साहब नाल उस्मान बुज़दार साहब नूं तुसीं नहीं जानदे होणे पिछे जे पंजाब दे सीएम रहे ने अचानक चाहते ने उथे मैं डिनर कर रहा गप शप हो रही है ते तुहाडा प्रोग्राम लग गया गप शप उन्हां दी नजर पै गई फैसल साहब ते मैनू कहिंदे ने फौरन उथे पहुंच सकना मैं कहा जी मैं निर्गोली हाँ कि सामरी जादूगर हाँ मैं कहते ने जिदा तू चौकस है तू पहुंच सकना मैं क्या सर गल ही कोई नहीं आर्डर लाओ कहना की है कहते ने यार तेन पता कि मेरे दौर दे विच मेरे च किस चीज़ की कमी रही है मैं क्या 200 करोड़ चीजा की कमी सी मैं हूँ दसने कहते 2 दिन लगन गए मैंने कहना नहीं असल ना मीडिया की वजह तो मैं पिछे रह गया अच्छा। मैं मॉर्निंग शो से नहीं गया अच्छा। मैं सियासी प्रोग्रामा से नहीं गया इस वास्ते लोगों ने मैं जाने ही नहीं मैं सोशल मीडिया यूज नहीं किया बट अब नाउ मैं करना चाहता हूँ मैं क्या सर जी यदा फैसल साहब ने किया लगे कहते ने तू जाके तो एक बार गल कर दो चीजा हो सकती ने वो क्या? एक तो फैसल साहब चूंकि एम क्यू एम के बेहतरीन और सुपर लीडर ने नाले एम क्यू एम जी है गरीब परवर पार्टी है अगर मैनू टिकट दे देन कराची दे विचों मैं 6 सीटां जीत सकना मैं जे फैसल साहब ने ना मनी तो फिर कहते ने मैडम मदिया तो मॉर्निंग शो कर दे मैं क्या देखो गल करन च कोई हर्ज नहीं कढ़िया फिर मैं हैलीकॉप्टर नाल जे विच 2 सैल कढ़े ने पा के दिते ने मैं क्या तुसी खेडो मैं आया कढ़िया फिर मैं डाला अच्छा। पहुंचिया बस रिक्वेस्ट ही हैगी है अगर तुसी उन्हां नूं टिकट दे दियो अगर एमकेएम दी टिकट ना होवे तो चलो उन्हां दे घर तो लैके कराची दी टिकट ही लै दियो यार ओए समुंदर ते वेख लैण यार पता नहीं अपनी हुकूमत ने वजीर आला बनाया था ये कह के कि उनके गाँव में बिजली नहीं थी अब मुझे पता नहीं 3.5 साल में गाँव में बिजली आई या नहीं आई कराची आ जाए हम बिजली का इंतजाम करवा देंगे लो जी अगर गरीब परवर पार्टी है बिल्कुल देख लो हो गया काम वैसे मैं भी एक बारी उन्होंने पिंड दे विच गया अच्छा यार सारे घर दियां बत्तियां बंद अच्छा ते एक घर दे विच लाइट जल रही हां मैं कह इत्थे जरूर कोई ऐसा बंदा हैगा जिदी रोशनी है अच्छा मैं कह सर ये की चक्कर है पूरे पिंड दी बत्ती बंद है सिर्फ इस घर विच लाइट जल रही कहंदे ने पुत्र सिर्फ इत्थे यूपीएस लगा होया हां जी ते सर जी तुहाडे लो फिर डन है डन सर माशाल्लाह वेखो कैसी गुरबत आ गई इन्हां दे उत्ते ओए अपना टेरेस किराए ते दे दित्ता लंबे बंदे की हो गया ये अबे टेरेस नहीं है वो यार वो एडा बड़ा चैनल ते तुसी किराएदार बाल है नहीं अरे टेरेस नहीं हो मेरे म्यूजिशियन है अच्छा माशाल्लाह म्यूजिशियन ने यार एडे प्यारे म्यूजिशियन ते मैं किधर वेखे ही नहीं क्योंकि हमारे पास जो है मतलब है कि बाजी और भी म्यूजिशियन ही नहीं अरे वैसे मैचिंग हुई भी है सॉरी सॉरी मैं समझिया इन्होंने बाजी और लीड कर रहे थे अच्छा ये तो मेहमान ने माशाल्लाह शदीद फैन है गयो तुसी मेरे आप क्या होंगे सॉरी हां ओ मैं शदीद फैन है का तोड़ा मैं भी वैसे तोड़ी फैन है तोड़ा ओए होए होए सिर्फ चौकस होने दी वजह तक बाजी माना मेरे बच्चे एडे तोड़े फैन है गए ने सवेरे उठ के नाश्ता उदो तक नहीं देंदे जब तक तोड़ा प्रोग्राम नहीं देख लेंदे अरे क्या बात है आपको पता है मैं आप कितनी बड़ी फैन हूं कि जब आपकी वर्दी चेंज होती थी तब भी आपको फॉलो करती थी अब जब वर्दी आपकी चेंज होगी अब भी आपको फॉलो मैं वफाकी हो गया ओ तभी तो कह रही हूं पहले सिर्फ मैं सुबह जी हूं मैं वफाकी हो गया मेरे साथ भी हो गया। हाँ जी भाजन भी वफाकी तो मैं वफाकी हूं तो सर बराबर ही है गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैसी गल है तो सर जी दसो की खाना पीना अरे यार नहीं प्लीज अरे सर नहीं इस तरह नहीं अरे तकल्लुफ ना करे सर कराची तो आए ने मैं खाली हाथ नहीं जान देना अरे तकल्लुफ मैं 500 लेके ही जाना वेलकम बैक टू गपशप अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद अरशद है मेरा सवाल सर फैसल साहब से है कि सर जब मिस मदीहा आपसे नाराज़ हो जाती हैं तो आप उनको किस तरह मनाते हैं शॉपिंग करके मनाते होंगे ताड़े होंगे यूनिफॉर्म पैरी पा जाते होंगे मैं चाहता तो यही हूँ शॉपिंग करके मनाऊँ लेकिन मदीहा एक जुमले में बयान कर देती हैं मुझे कहती हैं एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज और फिर आप मान जाती हैं नहीं नहीं मैं वैसे जब ये बदतमीजी कर रही थी तो तब मैं कहती हूँ कि भाई एक तो गरीब और ऊपर से बदतमीजी भी कर रही लेकिन मनाने में जो आपने मेरे भाई ने ऑप्शन दी और कैसे भाई जो आपने भी ऑप्शन दी चारों में से कोई भी नहीं थी
कोई भी नहीं, ये वाला तो थोड़ा सा है। कौन सी शॉपिंग, कौन सी शॉपिंग, कौन सी शॉपिंग है ना साल में? हाँ जनवरी से जब तक अगस्त तक हुकूमत रही है, वफाकी काबीना ने तनख्वाह नहीं ली, एक रुपया नहीं आया हमारे पास क्रेडिट में। अब इस आदमी को तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, चलो मुझसे उधार ले लेकिन वापस कर देना। लेकिन आप ये तो देखें ना, आप समझे इस बात को, अगर तनख्वाह नहीं आ रही तो अब वो क्या करे बेचारे। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मांगती, मैं डिमांडिंग हूँ, मुझे बताएं कभी कोई चीज मांगी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, उनको सवाल जी भाई सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनव्वर फरीद है और मिस मदिया मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि आप मॉर्निंग शो करती हैं तो मॉर्निंग शो के अलावा कोई प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिले तो कौन सा प्रोग्राम आप होस्ट करेंगी? वो कर लेंगे, तुसी नवा टीवी ले लो जी। और कोई जॉनरा आपकी पसंद का हो? कॉमेडी, कॉमेडी शो। हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शहरोज अली मेरा नाम है। मेरा सवाल फैसल साहब से है कि जैसा कि जनरल पब्लिक में लोग अपनी वाइफ से डरते हैं, घबराते हैं, तो क्या सर आप भी अपनी वाइफ से घबराते हैं या वहाँ पे आप अपनी सियासत की पावर दिखाते हैं? हम एक डिनर पे गए तो वहाँ कुछ दोस्त हमारे कपल बैठे हुए, मैंने ऐसे ही जो है ना, जिसको कराची की स्लैंग में कहते हैं बरमबाजी, मैंने कह दिया बरमबाजी में, डरता तो मैं किसी के अब्बा जानी से भी नहीं। अच्छा, दो मिनट बाद मदिया ने सबके सामने बता दिया कि क्या है, तो भाई कोई सियासत के जौहर वाले जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कवल आसिफ है। मेरा ये क्वेश्चन मिस मदिहा से है कि अक्सर मॉर्निंग शोज़ में ब्लंडर्स हो जाते हैं, तो आप उसको किस तरह कवर करती हैं? ये डिपेंड करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी, ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिस पे पैमरा ने पाबंदी लगाई हो, तो वो तो हम होने नहीं देते, लेकिन अगर कोई ऐसे भंड हो जाए, हम अपनी लैंग्वेज में भंड उसको बोलते हैं, तो हम उधर ही कवर कर लेते हैं। मतलब जी सबको पता होता है कि जी हाँ लाइव शो है। मेरे लिए सबसे बड़ा भंड ये होता है कि अगर मेरे पास जो गेस्ट बैठा है और मैं इसका नाम जानती हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन कभी कभी अगर मैं इसका नाम सही ना ले पाऊँ, नींद ना पूरी, तो वो मुझे लगता है भंडा। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मदिया ने कभी वो वाला भंड नहीं किया, फॉर्मूला वन और ये इसीलिए तो मैं वायरल नहीं हुई, देखें ये मेरा कसूर है। आज पता चला कि ऐसे भी भंड कहते हैं, उन्होंने पांड कहते हैं। तो अंडर द स्पॉटलाइट हमारे सेगमेंट जो है उसका वक्त हो गया है। आपसे सवाल पूछेंगे एमसीक्यूज की सूरत में, आप चाहें तो वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि आप वो जवाब नहीं देना चाहते तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज के अंदर अगर आपने सही जवाब दे दिया, आपको 5,000 रुपये उसका गिफ्ट दिया जाएगा। आप जितने मर्जी जनरल नॉलेज के सवालों का जवाब दें, वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द मनी जी। तो मदिया आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताइए कि एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर होती हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निदा यासिर, शाइस्ता लोधी और नादिया खान साहिबा। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में लूंगी निदा के साथ। स्माइल किनको दे रही है? स्माइल में दूंगी शाइस्ता को। ठीक है। और नादिया को मैं बोलूंगी आपका फ्लोर आ गया, नादिया का फ्लोर आ चुका।